अगेन वेलकम बैक इन माई यूट्यूब चैनल एन जी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों मैं आज से आपको बताने जा रहा हूँ गूगल पिक्सल 5 लॉन्च करने जा रहा है जो कि अक्टूबर 15 को। ये स्मार्टफोन 5G है, इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने के लिए मिलने वाले हैं और इसके अंदर क्या क्या खासियत है, तो सब कुछ इस वीडियो में आपको सब कुछ 1-to-1 आपको बताने जा रहा हूँ। और ये स्मार्टफोन बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त है, तो हम सब कुछ इसके बारे में जानेंगे, इसके स्पेसिफिकेशन और इसके फंक्शन के बारे में। तो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों बिना रुके स्टार्ट कर। गूगल पिक्सल 5 काफी शानदार, काफी ऑसम और काफी डेसिंग फोन होने वाला है। अगर इसके ओवरव्यू लुक की बात करें तो काफी इसके अंदर इसका जो लुक है ना बहुत ही डेसिंग और बहुत ही शानदार आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पे इतने प्यारा लुक ये कंपनी हमको देने वाली है गूगल। तो हम इसके फ़ोन की अगर ओवरव्यू देखिए दोस्तों, इसके बैक साइड आप अगर देखोगे तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही डेसिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। कि यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसके पीछे बैक साइड में 3 कैमरा का आपको सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, प्लस उसके साथ में एक फ्लैश LED भी है। तो यहाँ पर बहुत ही पावरफुल और बहुत ही शानदार है। इसका लोगो देखिए दोस्तों, जी का जो लोगो बहुत ही प्यारा आपको देखने के लिए लग भी रहा होगा कि जब आप हैंड में अपने फ़ोन को पकड़ोगे तो आपको एक बहुत ही प्यारा लुक देगा। और यहाँ पे आपको फिंगर देखने के लिए मिल जाएगा बैक साइड में। और हम अगर डिस्प्ले की बात करें तो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे कॉर्नर में आपको एक सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बहुत ही 4K रेजोल्यूशन का वीडियो कैप्चर करने के लिए बहुत ही एक्टिव है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर इसकी ये आपको 2 कलर प्रोवाइड करा रही है तो ये बहुत ही मतलब अच्छे कलर है। अगर हम बात करें इसकी स्पेसिफिकेशन, इसके अंदर हमें क्या क्या देखने के लिए मिलता है, इसकी बैटरी क्या है और ये मतलब इसके अंदर और क्या क्या हमारे नए फीचर्स देने वाले हैं, इसका नेटवर्क कौन सा 4G या 3G है, तो सब कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो ये वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए दोस्तों। तो हम चलते हैं स्पेसिफिकेशन पे। तो स्पेसिफिकेशन हम देखेंगे इसके बारे में कि दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टिंग से 1-to-1 हम देखते हैं कि हम सबसे पहले बात करेंगे नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क टेक्नोलॉजी के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलने वाला GSM, CDMA, HSPA और वीडियो लाइट और 5G, यहाँ पे 6 नेटवर्क आपको प्रोवाइड करा रही है गूगल कंपनी। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त है। जब आपको CDMA, GSM मतलब सबसे नेटवर्क आपको सपोर्टेबल है ये फोन स्मार्टफोन, तो काफ़ी ऑसम और काफ़ी डेसिंग होने वाला है। अगर अनाउंसमेंट की बात करें दोस्तों, 13 सितंबर को 2020 में इसको अनाउंसमेंट किया गया था कि गूगल पिक्सल 5 फोन आने वाला है। तो इसके अंदर में देखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है, जैसे कि अब ये मार्केट में कब आने वाला है। तो मार्केट में आने के लिए अभी कुछ दिन रह गए, जैसे कि यहाँ पे आपको देखिए दोस्तों, कमिंग सून रिलीज 15 अक्टूबर। तो यहाँ पे दोस्तों 15 अक्टूबर को आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा, ये मार्केट में 15 अक्टूबर को लॉन्च हो जाएगा। आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो, ऑनलाइन भी इसको परचेस कर सकते हो, गूगल जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मिंत्रा जो भी है प्रोडक्ट बेचते हो वहाँ से आप इनको इसको परचेस कर सकते हो। बात करते हैं इसके बॉडी टाइप की, तो बॉडी टाइप की बात करते हैं, यहाँ पे 150 ग्राम इसका वेट है, काफ़ी लाइट वेट है, बहुत ही हल्का आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं तो बिल्ड होगा, यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपको गोरिल्ला ग्लास 6 और एल्यूमिनियम बैक, मतलब कि आपका जो बैक है ना वो मेटल का बैक है आपका, और एल्यूमिनियम फ्रेम आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे कोई भी मतलब आपको फाइबर का फ्रेम देखने के लिए नहीं मिलने वाला, ये मेटल का फ्रेम देने वाले, तो मतलब बहुत ही हैवी और अच्छा प्रोटेक्शन है, तो मुझे तो काफ़ी शानदार लग रहा है। तो हम बात करते हैं आगे इसकी डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले यहाँ पे आपको OLED डिस्प्ले मिलने वाली, जो कि IPS जैसी मतलब बहुत शानदार डिस्प्ले होती है। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा उसके एग्जैक्ट और एक्यूरेट कलर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि आप 170 डिग्री से करीबन आप उसको देख सकते हो। अगर आप अपनी मोबाइल को फ्लैट रखते हो तो आपको एकदम से एक्यूरेट कलर देखने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ पे बात करते हैं साइज की, तो साइज आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर आपको 6 इंचेस। तो 6 इंचेस साइज काफ़ी अच्छा है, मतलब डिस्प्ले के जो साइज 6 इंच होता है तो वहाँ पे आपको मतलब नॉर्मल है, आप वीडियो भी देख सकते हो फुल क्वालिटी में और देखने में भी आपको हाथ में लगे कि मतलब नॉर्मल फोन है, छोटा नहीं लगे, तो काफ़ी अच्छा स्क्रीन है। 6 इंचेस की डिस्प्ले काफ़ी बड़ी होती है दोस्तों, और बहुत ही गुड लुकिंग और बहुत ही ऑसम फोन दिखता है हाथ में। अगर बात करें प्रोडक्शन की, तो यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास 6 आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पे लोगों ने स्पेसिफिकेशन में दे भी दिया है। अब बात करते हैं हम इसकी चिपसेट और CPU और इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम देखने के लिए मिलने वाला है।
और यहाँ पे चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और आप इसके अंदर गूगल के फोन के अंदर अगर आप पबजी या कोई भी ग्राफिक्स वाला गेम खेलना चाहो तो आपको ये लैग नहीं करेगा, बहुत ही शानदार बहुत ही स्मूथ चलने वाला है। यहाँ पे बात करते हैं मेमोरी, तो आप यहाँ पे मेमोरी कार्ड इसके अंदर नहीं लगा सकते दोस्तों, ये मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसकी बात करें इंटरनल की तो यहाँ पे ये 8GB रैम और 128GB के साथ में ये आने वाला है मार्केट में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि दोस्तों अगर यहाँ पे हम देखें कि इसका मेन कैमरा जो रियल कैमरा है आपको रियल कैमरा मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर डुअल कैमरा का सेटअप आपने को देखने के लिए मिल जाएगा। मैंने थर्ड कैमरा बोल दिए थे, आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पे आपको डुअल कैमरा का सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, तो बहुत ही मतलब प्यारा आपको देखने के लिए मिलने वाला 12.2 मेगापिक्सल का कैमरा आपको यहाँ पे मिलने वाला वाइड, और 16 मेगापिक्सल का मिलने वाला है आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा। तो अल्ट्रा वाइड कैमरा वाइड कैमरा का जो कॉम्बिनेशन है, आप मतलब फोटो खींच रहे हो तो बैकग्राउंड को ब्लर करना है जो भी करना है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन इतना अच्छा होता है कि मतलब आपने कई बार खींची भी होंगे फोटो, और यहाँ पे मतलब पिक्चर क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि जो कंपनी है वो अपने किस टाइप के किस मतलब क्वालिटीज के जो कैमरा वो स्मार्टफोन्स के अंदर इन्वेंट करके दे रही है, तो वो उस पर डिपेंड करता है पिक्चर क्वालिटी। तो यहाँ पे बहुत ही शानदार इसकी पिक्चर क्वालिटी होने वाली है। तो यहाँ पे बात करता हूँ फ्लैश की, तो फ्लैश आपको LED फ्लैश तो मिलेगा, वो भी ऑटो HDR, मतलब खुद से वो कभी भी नाइट मोड में तो चालू हो जाएगा, अगर ऑटो हमें अपने में करना पड़ता है लेकिन यहाँ पे ऑटो रहता है। तो बात करते हैं वीडियो की, तो यहाँ से रियर कैमरा से आप 4K वीडियो कैप्चर कर सकते हो, रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे बात करते हैं सिंगल आपको मिलने वाला सेल्फी कैमरा, वो भी 8 मेगापिक्सल का, लेकिन 8 मेगापिक्सल भी काफ़ी होता है दोस्तों, गूगल जो कंपनी है वो अच्छा कैमरा प्रोवाइड कराएगी अपने फ़ोन के अंदर। अब बात करते हैं हम लाउड स्पीकर, तो लाउड स्पीकर दोस्तों हर फोन के अंदर आता है, इसके अंदर भी आने वाला है। हम बात करेंगे इसके अंदर 3.5mm का एंट्री जैक आने वाला है कि नहीं, तो दोस्तों आई एम सो सॉरी इसके अंदर 3.5 का एंट्री जैक नहीं आने वाला है, क्योंकि आगे चल के तो सारे फोन में ये बंद ही होने वाला है। या बात करते हैं इसके अंदर वाईफाई भी है, GPS भी है, और यहाँ पे ग्राफिक्स मतलब आपको ग्राफिक्स देखने के लिए मिल जाएंगे, मतलब आप गेम खेलोगे तो उस टाइम आपको अच्छी अच्छी ग्राफिक्स होनी चाहिए, तो यहाँ पे सब कुछ चीज़ आपको प्रोवाइड कराने वाली है। अब बात करते हैं इसकी जो USB टाइप है वो आपको C टाइप मिलने वाला 3.1 का, जो कि बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छा है। आपकी इतनी फास्ट चार्जिंग है कि आप रिवर्स फास्ट चार्जिंग से भी आप अदर किसी का फोन को भी चार्ज कर सकते हो, अगर आपके पास एक केबल है तो। आप तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कि टाइप, तो यहाँ पे आपको बैटरी मिलने वाली है 480mAh की बैटरी मिलने वाली है, फास्ट चार्जिंग मिलने वाली है 18 वोल्टेज की, और रिवर्स चार्जिंग है, वायरलेस चार्जिंग है दोस्तों। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग आपको मिलने वाली है, तो मतलब दोस्तों खुश हो जाइए कि आपको गूगल पिक्सल 5 के अंदर वायरलेस चार्जिंग देखने के लिए मिलने वाली है। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती जा रही है, तो काफ़ी अच्छा काफ़ी शानदार ये फोन है, उसके अंदर लुक भी बहुत अच्छा लगा। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं आप तो मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मैं ऐसे ही नॉलेजबल और ट्रेंडिंग वीडियोस लाता रहूँगा स्मार्टफोन्स के ऊपर, जो कि लेटेस्ट रिलीज होने वाले हैं, अपकमिंग होने वाले हैं। तो अगर मेरी मेरी स्पेसिफिकेशन जो मैं देता हूँ आपको अगर अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तब भी दोस्तों कमेंट कीजिए, मैं कुछ ना कुछ ट्राई करता रहूँगा आपके लिए जो आपको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।